मेरा खून बढ़ रहा होता है, एक एक किलोमीटर के साथ मेरा खून बढ़ता रहता है। फैजान जफर अपनी पसंदीदा कार फोक्सवैगन बीटल से दफ्तर जाना पसंद करते हैं। 2015 में उन्होंने एक गाड़ी बहुत ही खराब कंडीशन में खरीदी। 6 साल की मेहनत के बाद अब कार बिल्कुल अलग लगती है। मेरी फैमिली ने बड़ा मुझे कहा कि यार क्या कर रहे हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो। इवन राइट नाउ अगर आपको लोग ऐसे मिलते हैं कि यार क्या तुमने पैसे वेस्ट कर दिए, तो बट आई नो दिस चार्म व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस कार। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा इसके साथ हर सैटरडे नाइट टाइम होता है, तो लोग जो है वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, मैं इससे मिलने जा जाता हूँ। और फीलिंग इज़ लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स। फैजान कहते हैं कि जब भी वे इस गाड़ी के साथ सड़क पर निकलते हैं तो लोग तस्वीरें लेने लगते हैं। लोगों का ये रिएक्शन फैजान को मोटिवेट करता है। जर्मन भाषा में फोक्सवैगन का मतलब है आम लोगों की कार। मशहूर बीटल का पहला मॉडल नाजी काल के दौरान 1938 में लॉन्च हुआ था। इस कार को उतारने की मुख्य वजह थी जर्मन लोगों की जरूरतें पूरी करना। 1945 से 1974 के बीच दुनिया भर में 2.15 करोड़ बीटल बिकी। कराची के इस गैराज में फहीम गोरी बीते 55 साल से सिर्फ फोक्सवैगन पर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बीटल का प्रोडक्शन बंद होने के बाद फोक्सवैगन के चीफ इंजीनियर ने उन्हें अपने साथ ब्राजील में काम करने का न्योता दिया। इतने साल बाद भी फोक्सवैगन को लेकर उनकी दीवानगी जरा भी कम नहीं हुई है। जब से इतना शौक है मेरे को, इतना शौक है, मुझे इसके अलावा कोई गाड़ी पसंद ही नहीं है। और बहुत ही खुशी से बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता हूँ। कबाड़ी तलाश करते रहते हैं गाड़ी कहाँ है, बोले कहाँ देते हैं लाकर। हमारा दिल दुखता है, हथौड़े पड़ते हैं ना उसको, हमारा दिल दुख रहा होता है, लेकिन क्या क्या करें। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा इसी गाड़ी से, इससे अच्छी गाड़ी है ही नहीं फैमिली के लिए। बीटल बहुत तामझाम वाली गाड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसकी मेंटेनेंस आसान नहीं। अमेरिका में इसके स्पेयर पार्ट्स का बड़ा बाजार है, लेकिन उन्हें इंपोर्ट करना मुश्किल और खर्चीला है। इसके बावजूद बीटल के दीवाने इसे चमाचम रखने के लिए सब कुछ करते हैं। उबैदुर रहमान भी बीटल के दीवाने हैं। वो बीते 8 साल से अपने ग्राहकों की बीटल चमका रहे हैं। ये कार उनके लिए परिवार की तरह है, यानी भावुक करने वाली। अब लोगों की जो नॉलेज है, जो थिंकिंग है, वो ये समझते हैं कि यार 1-1.5 लाख रुपए में गाड़ी तैयार हो जाती है। तो 1-1.5 लाख रुपए में मेरे भाई आज बाइक भी नहीं आती, ठीक है ना। तो वो रुझान हमें ख़त्म करने, और लोग माशाल्लाह इसके ऊपर काफ़ी हमारे जो यंगस्टर्स भाई हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। तकरीबन कोई 7-8 गाड़ियाँ मैंने इसी साल जो है वो मैंने तैयार की हैं। मुझे इतना इश्क है इस गाड़ी के साथ। बीटल दुनिया की सबसे मशहूर कारों में है। इसका प्रोडक्शन अब भले ही बंद हो गया हो, लेकिन दीवानों के बीच इसका क्रेज कम नहीं हुआ है।